एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड ब्यूटी गैलरी। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता। की वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो है आफ्टर रिमूविंग माय मेकअप स्किन केयर जो है शेयर करने वाली हूं कि कैसे मैं अपना मेकअप रिमूव करने के बाद अपनी स्किन केयर की टेक केयर करती हूं। तो ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी टू शेयर दिस टाइप ऑफ वीडियो, क्योंकि उससे नहीं पता है कि मेकअप उतारने के बाद स्किन केयर जो है कैसा होना चाहिए। तो उसने मुझसे पूछा था एंड देन शी टोल्ड मी टू अपडेट वीडियो लाइक दिस, बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, जब बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि मेकअप रिमूव करने के बाद कैसे जो है स्किन केयर करना चाहिए और कैसे हमें अपनी स्किन की टेक केयर करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ तो आप सब लोगों के साथ। तो गाइज, अगर आपको ये पहले से ही पता है कि स्किन केयर कैसे करना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है और आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप ये सब के लिए न्यू है तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही वीडियो है और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बालों को अच्छे तरह से बांध लेंगे। जस्ट लाइक दिस, ताकि चेहरे पे बाल ना आए। उसके बाद हमें अपना फेस मेकअप जो है उसे रिमूव करना है। तो फेस मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत सारे जो है मेकअप रिमूवर आते हैं, पर मैं जो यूज़ करती हूँ वो जो ऑयल है, मतलब कोकोनट ऑयल है। तो इसे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं हैंड पे ले लेती हूँ ऐसे कुछ इतनी अमाउंट में एंड देन मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ ऐसे। आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है पूरे का पूरा मेकअप। कैन यू सी, थोड़ा सा और देखते हैं। तो गाइज, ये एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है अगर आप जो है मेकअप रिमूवर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल या फिर कोई भी ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी ऑयल जो है यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो ये अच्छे से आपका मेकअप जो है ईजिली रिमूव कर देते हैं। यू कैन सी कि मैंने जो है अपना मेकअप जो रिमूव कर लिया है। अब हम लेंगे फेस वॉश। तो आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं या फिर जो भी, जैसे आप अगर सोप यूज़ करते हैं तो सोप के साथ आप ले सकते हैं। ये फेस को वॉश कर देना है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट स्टेप आता है कोई भी जो है फेस मास्क का। तो फेस मास्क के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ एल्पस गुडनेस की मुल्तानी मिट्टी, जो कि मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट है। तो मैं इसे थोड़ा सा लूँगी और बहुत ज़्यादा जो है आपको फाइन लेयर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हल्की सी लेयर दीजिए अपने फेस को मुल्तानी मिट्टी की। अच्छा, अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है अवेलेबल तो आप ग्राम फ्लोर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे वो भी एक बहुत ही बढ़िया
फेस पैक है, तो हमें इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी एंड देन इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अप्लाई करेंगे फेस पे, मैं बहुत ही पतली जो है थिन लेयर लगाऊंगी इसकी ताकि ईजी ड्राई हो जाए। ले रही हूँ टोनर, तो टोनर अप्लाई करने बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आपका फेवरेट है या फिर आपको जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता है उससे अप्लाई करना है। ओके, अगर आप कोई सीरम वगैरह लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विटामिन ई ऑयल की 2 ड्रॉप्स ले रही हूँ और इसे मैं अच्छे से रब करके अपने फेस पे लगा लूँ। नेक्स्ट आपको कोई भी अंडर आई क्रीम लेनी है तो मैं यहाँ पे देगा की अंडर आई क्रीम ले रही हूँ और उसे हम अप्लाई करेंगे अपनी आईज पे। तो मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, इसे अच्छे से रब करती हूँ एंड देन इसे अप्लाई करती हूँ। अच्छे से आपको मसाज करनी है इसे। तो इन फिंगर्स का ही इस्तेमाल करें क्योंकि ये फिंगर्स जो होती हैं इतना प्रेशर नहीं इनसे हमारी आईज पे आता है, तो हम इस फिंगर्स को ही यूज़ करेंगे अपनी आईज पे को मसाज के लिए। लिप्स के लिए मैं यहाँ पे वैसलीन ले रही हूँ, तो आप कोई भी लिप बम अप्लाई कर सकते हैं। यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन और इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय एंड टेक केयर।